हेलो दोस्तों, मैं शिवांग भारद्वाज स्वागत करता हूं आपका आज के एक और अपनी नई वीडियो में, जिसमें कि 81 नंबर क्वेश्चन से मैं आपको बताऊंगा 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम्स के लिए, एग्रीकल्चर से रिलेटेड एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन साबित हो सकते हैं। पुराने क्वेश्चन नंबर 80 तक आपने मेरी पुरानी वीडियो में देख चुके हैं। जिसने भी नहीं देखे हैं वो मेरे चैनल पर जाके मेरी पुरानी वीडियोज को देख सकता है। और मेरी आगे आने वाली वीडियो के साथ बने रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। चलिए शुरू करता हूँ क्वेश्चन नंबर 81 से। निम्न में से कौन सा मृदा का गुण वायु क्षरण से मुख्यतः प्रभावित होता है? यानी कि जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं उनमें कुछ ऑब्जेक्ट मतलब कुछ टॉप दिए होते हैं, उनमें से एक सिलेक्ट करना होता है कि, तो उसके लिए निम्न में से कौन सा मृदा का गुण है जो वायु क्षरण से मुख्यतः प्रभावित होता है। तो वायु क्षरण से मुख्यतः प्रभावित होने वाला जो मृदा का गुण है वो है मृदा गठन। मृदा गठन जो है वो वायु के क्षरण से प्रभावित होता है। क्वेश्चन नंबर 82 है, यदि ई जल अपरदन द्वारा मृदा हानि एवं एल ढाल की लंबाई हो तो दोनों में संबंध, यानी कि ई जल अपरदन से जो मृदा की हानि होती है उसे हम ई अगर मान लें और एल ढाल की लंबाई हो तो इन दोनों में संबंध होगा ई प्रोपोर्शनल अंडर रूट एल। यानी कि जो जल अपरदन द्वारा मृदा की हानि होगी वो प्रोपोर्शनल होगी अंडर रूट एल के, यानी कि ढाल के वर्गमूल के, ढाल की लंबाई के वर्गमूल के प्रोपोर्शनल होगी। क्वेश्चन नंबर 83 है, निम्न में कौन सी अवस्था भूचरण क्षरण करने के लिए अधिक महत्वपूर्ण है? तो मतलब कौन सी ऐसी अवस्था होती है मिट्टी की जो भूचरण करने के लिए अधिक महत्वपूर्ण होती है, यानी जिसके कारण भूचरण अधिक होता है। तो कणों की पृथक्कता, यानी कि कणों की पृथक्कता का मतलब होता है कणों का दूर दूर होना, मृदा कणों का दूर दूर होना या मृदा कणों की पृथक्कता जो है वो भूचरण क्षरण करने के लिए अधिक महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 84 है, गैबियन के निर्माण में किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है? गैबियन जो होता है वो क्षरण रोकने के लिए, अपरदन रोकने के लिए एक प्रणाली अपनाई जाती है जिसे गैबियन नाम के मृदा साइंस विशेषज्ञ ने दिया था, तो उनके नाम पे ये है किया जाता है। तो गैबियन का निर्माण जो होता है उसमें तार के जाल एवं पत्थरों का प्रयोग किया जाता है जिससे कि वायु क्षरण रोका जा सकता है और मृदा जल क्षरण भी रोका जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 85 है, मृदा नमी ज्ञात करने के लिए उसे 24 घंटे तक भट्टी में किस तापमान पर रखा जाता है? किसी मृदा की नमी ज्ञात करने के लिए उसे 24 घंटे तक 105 डिग्री सेंटीग्रेड पर भट्टी में रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 86 है, अवरोधक बांध सहायक होते हैं, जो अवरोधक बांध बनाए जाते हैं वो किस में सहायक होते हैं? तो अवरोधक बांध जो होते हैं वो पानी का वेग कम करने में सहायक होते हैं, नाली अपरदन कम करने में सहायक या गली अपरदन जिसे बोलते हैं, गली इरोजन बोलते हैं वो कम करने में सहायक होते हैं, पानी का अंतःश्रवण बढ़ाने में सहायक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 है, एक अधिकतम दक्षता वाली आयताकार नाली की गहराई उसकी चौड़ाई की कितनी गुनी होनी चाहिए? तो जो आयताकार नालियाँ होती हैं, आयताकार नाली बनाई जाती हैं ड्रेनेज के लिए, तो उसके सबसे अधिक दक्ष नाली जो होती है उसकी जो गहराई होती है वो उसकी चौड़ाई की 0.5 गुनी रखी जानी चाहिए, यानी कि जो गहराई होती है वो चौड़ाई से आधी होती है। क्वेश्चन नंबर 88 है, बाष्पन बाष्पोत्सर्जन को मापने वाला यंत्र है, तो बाष्पन और बाष्पोत्सर्जन मापने वाला जो यंत्र होता है उसे लाइसीमीटर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 है, फसल परिपक्वता प्रायोज्य उपयोग हुई पानी की मात्रा एवं सिंचित क्षेत्र के परस्पर संबंध को कहते हैं, यानी फसल की परिपक्वता के लिए जो जितने पानी की मात्रा उपयोग होती है एवं जितना क्षेत्र सिंचित होता है
उसके परस्पर संबंध को हम पानी की ड्यूटी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 है, सिंचाई किसके लिए आवश्यक है? उत्तर है सिंचाई फसल की खुशहाली के लिए आवश्यक है, यानी फसल के अच्छे उत्पादन के लिए आवश्यक है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 90 तक मैंने आपको इस वीडियो में बताए हैं। आगे के और क्वेश्चंस मैं आपको अगली वीडियो में लेकर आता रहूँगा। तो मेरी वीडियोज के साथ बने रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आई